पहले टेस्ट मैच के इनको प्लेइंग 11 में मौका भी नहीं दिया गया था, बावजूद इसके इन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया वो काबिलियत तारीफ है। मैचेस इंग्लैंड भले ही जीत गई हो लेकिन पथुम निशंका की इस पारी ने श्रीलंका को 8 विकेट से जीत दिलाई है। साथ साथ कुसल मेंडिस की भी बात करनी पड़ेगी, उन्होंने भी काफी अच्छा साथ दिया। पथुम निशंका और कुसल मेंडिस के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली थी, भले वो पार्टनरशिप बड़ी नहीं हुई बट एटलीस्ट 40-50 रन की वो पार्टनरशिप लग गई थी। बट अगेन पथुम निशंका की तारीफ करनी पड़ेगी, टेस्ट क्रिकेट में पथुम निशंका के रिकॉर्ड भी काफी अच्छे और आज वो साबित भी कर दिया कि जब नीचे वालों पे ज्यादा प्रेशर ना आए इसीलिए उन्होंने सारा जो जिम्मा था जीतने का वो अपने सर पे ले लिया। साथ साथ पहले ऐसे श्रीलंका ही खिलाड़ी ये बन गए जिन्होंने दूसरी पारी में मैच की दूसरी पारी में जिन्होंने शतक लगाया, तो वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है श्रीलंका के लिए। और साथ साथ पथुम निशंका के लिए भी डबल में लगाना ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जैसे मुंबई जैसे हम लोगों के लिए वानखेड़े में अगर हम कुछ बड़ा करते हैं तो वहां से वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर गाबा में कुछ बड़ा करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, वैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ अगर आप ओवल में कुछ कर रहे हो, शतक बना रहे हो, नाबाद ये तो लौटे 127 की नाबाद पारी इन्होंने खेली है, तो वो पथुम निशंका के करियर को डेफिनेटली बूस्ट देगा। और उसके आप सोचिए उसके बाद जब पहला मैच था उस टाइम पर इनको प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया था, प्लेइंग 11 में इनको मौका नहीं दिया गया था, उस टाइम थोड़ा सा पॉइंट जरूर हुए थे कि यार मैं प्लेइंग 11 में क्यों नहीं हूं, बट उसके बाद इन्होंने कमबैक करा और ऐसा कमबैक आप सोचिए आज के मैच में अगर इनकी शतक वाली पारी नहीं होती, शतकीय पारी नहीं होती तो शायद ये मैच आगे खींच सकता था या फिर ड्रॉ की तरफ जा सकता था। ड्रॉ में हालांकि टाइम था बट ये आगे मैच खींच सकता था, पूरा दिन खींच सकता था, बट इन्होंने विद इन 2 घंटे में ये मुकाबला खत्म कर दिया। सिर्फ 2 घंटे में श्रीलंका की टीम ने मुकाबला खत्म कर दिया इंग्लैंड के खिलाफ, एक बहुत बड़ी चीज है। साथ साथ मैथ्यूज की बात करें तो एंजेलो मैथ्यूज ने 32 रन बनाए, उन्होंने भी छोटा सा योगदान अपना दिया, कुसल मेंडिस ने अपना योगदान दिया और नीचे तक तो पारी आने ही नहीं दी। बट श्रीलंका की तारीफ करनी पड़ेगी कि 3 मैचेस में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा, बट बावजूद इसके जिस तरीके से कमबैक श्रीलंका ने किया है वो काबिले तारीफ है। इंग्लैंड थोड़ी सी आज पस्त नजर आई मुझे, ना ओली पोप चले ना जो रूट चले, इनका जो ओपनिंग साझेदारी थी वो आज कुछ नहीं कर पाई, जिसमें बेन डकेट थे, ओली पॉप कुछ नहीं कर पाए, जो रूट का बल्ला इस मैच में नहीं चला बिल्कुल भी। हाँ जेमी स्मिथ चले थे जिन्होंने 67 रन की पारी खेली थी, बट अदर देन दैट किसी का भी बल्ला उस तरीके से नहीं चल पाया। और ओवल में अगर आप शतक लगा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, पथुम निशंका की तारीफ करनी पड़ेगी। साथ साथ हमें काफी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला है, टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि वेस्ट इंडीज ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को, फिर हमने उसके बाद देखा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया, फिर हमने ओवल में अभी देखा कि श्रीलंका ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो बड़े बड़े सेटबैक हमें अपसेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को हरा दी, वेस्ट इंडीज हाँ जो हारते हैं डेफिनेटली, देखिए अपसेट ही मैं बोलूंगी इसको, बहुत बड़ा अपसेट अगर वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को गाबा में जाकर हरा रही है तो बहुत बड़ा अपसेट है, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को रावलपिंडी में जाकर हरा रही है तो बहुत बड़ा अपसेट, और जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ओवल के मैदान में श्रीलंका ने इंग्लैंड को हरा दिया तो ये भी बहुत बड़ा अपसेट है। तो आई थिंक बहुत सारे हमें टेस्ट क्रिकेट देखने को मिल रहा है, और अभी और ज्यादा ही आएगा जब भारतीय टीम एक्शन में आपको नजर आएगी, जब 10 टेस्ट मैचेस हमने खेलने जब वो एक्शन में नजर आएगी तो डेफिनेटली जो रोमांच है वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हमने खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलना है, इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने खेलना है, तो अभी सबसे पहले बांग्लादेश के खेलना है, तो जो मजा है जो रोमांच है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आई थिंक पथुम निशंका की तारीफ करनी पड़ेगी, इनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, ये भी अच्छा खेले और 30 रन इन्होंने बनाए। बट अगर आप इस मैच को देखें फ्रॉम डे वन, यहाँ पर इंग्लैंड का डोमिनेंस था इस मैच पर, 325 बना दिए थे फर्स्ट इनिंग में, और उसके बाद जब श्रीलंका बैटिंग करने आया श्रीलंका सिर्फ 263 ही बना पाया, 263 पर ऑल आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद मौका था इंग्लैंड के पास कि वो स्कोर बोर्ड अगर 250 के आसपास रन लगा देते तो हो सकता श्रीलंका ये मैच हार भी जाता, और जो क्लीन स्वीप था वो हो सकता था, बट अब ऐसा हो नहीं पाया। और आई थिंक हमें क्रेडिट देना चाहिए श्रीलंका के गेंदबाजों को, और खासकर उनकी जो बॉलिंग है, और जब से असिता फर्नांडो आई इस टीम में वो जो पेस अटैक है उनका और अच्छा हो गया है, बैलेंस हो गया है, लेकिन बैटिंग में जो पथुम निशंका ने कमाल किया है, धमाल किया है, और श्रीलंका ने इतिहास रचा है क्योंकि ओवल में इनफैक्ट इंग्लैंड को घर में जाकर हराया है। और दूसरी चीज बड़ी ये थी कि भाई बैट्सबॉल के दीवाने हैं, बैट्सबॉल अच्छा खेलते हैं, अब कहीं ना कहीं जो बैट्सबॉल है, जो ब्रैंडन मैकुलम है, पॉल कॉलिंगवुड उनके जो असिस्टेंट कोच हैं, भाई उनकी कहीं ना कहीं आंखें खुल गई होंगी देखकर, क्योंकि श्रीलंका ने हरा दिया उनको, श्रीलंका ने सोचिए आप।
बिल्कुल देखिए बहुत बड़े अपसेट हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा बांग्लादेश ने हरा दिया पाकिस्तान को, उससे पहले हमने देखा कि गाबा में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था। वैसे ही आज के मैच में हमने देखने को मिला कि श्रीलंका ने ओवल में हरा दिया इंग्लैंड की टीम को, जो उनका गढ़ माना किला माना जाता है इंग्लैंड का ओवल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अपसेट हमें देखने को मिला है। बट मतुम निशंका की तारीफ करनी पड़ेगी इस दूसरी पारी में, जो ना जो रूट चले, ना इनके ओली पॉप चले, ना बेन डकेट चले, कोई भी जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है वो नहीं चल पाया। नीचे से आगे थोड़े बहुत रन बटोर लिए थे जो टेल एंडर्स थे, बट बावजूद इसके कोई भी नहीं चल पाया। साथ साथ लहरू कुमारा की तारीफ करनी पड़ेगी, 4 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, उन्होंने गति से डराया, बड़ा ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है। तो श्रीलंका कहीं ना कहीं डरा रही है, और आई थिंक अब जो छोटी टीम्स है ना, छोटी मतलब जिनको हम थोड़ा सा कम आंकते हैं, वो उभर कर आ रही है। जैसे बांग्लादेश की टीम हो गई या फिर श्रीलंका की टीम हो गई, ये थोड़ा सा उभर कर आ रहे हैं, तो इनसे डेफिनेटली डरने की जरूरत है। अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, हम जिसको बोलते थे ना सेना कंट्रीज, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इनसे अब हट कर हमें आई थिंक न्यूजीलैंड हो गई या फिर न्यूजीलैंड तो चलिए हटा दीजिए, अब श्रीलंका हो गई या बांग्लादेश हो गई, इन पर भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा अंडरडॉग टीम है। आपको पता नहीं कब ये क्या कर जाए, और ऐसा ही आज के मैच में हमें देखने को मिला। सोचा भी नहीं होगा इंग्लैंड की टीम ने कि ऐसा कुछ हो जाएगा ओवल में, ऐसा कुछ हो जाएगा कि लहरू कुमारा 2 विकेट ले जाएंगे। यार आप सोचिए, विश्वा फर्नांडो 3 विकेट ले जाएंगे। विकेट्स तो गुच्छों में मिले हैं श्रीलंका गेंदबाजों को, साथ साथ बल्लेबाजों ने आकर पारी को संभाल दिया। 2 घंटे में अभी ये मुकाबला शुरू हुआ है, 2 घंटे भी नहीं हुए, 1.5 घंटे में मुकाबला खत्म कर दिया उन्होंने। बट ये सच्चाई है कि चौथे दिन जो विकेट थोड़ा सा बेहतर हो गया था, अच्छा हो गया था, और जैसे जैसे विकेट अच्छा हुआ तब तब उन्होंने शंका ना थे, शॉर्ट्स खेले उन्होंने, गैप में स्ट्रोक खेले, और भाई फिर भी जो मर्जी कहें आप, जो कहते पाटा विकेट हो, फ्लैट विकेट हो, भाई बैटिंग तो करनी पड़ती है, और इसमें उन्होंने बैटिंग की है, और क्या खूब बैटिंग की इन्होंने। ये टस से मस में हुए, बल्कि 127 बनाए, नॉट आउट आए, अच्छी बात ये, और 13 चौके, 2 छक्के भी लगाए, और श्रीलंका की धमाकेदार जीत है, 8 विकेट से जीता है। कहीं ना कहीं आईना दिखाया है इंग्लैंड की टीम को, भाई आप 1 या 2 विकेट से नहीं जीते, पूरे 8 विकेट से जीते, दमखम जीते हैं, और कहीं ना कहीं भाई इंग्लैंड की टीम को सोचना होगा। लेकिन 1-2 चीजें जरूर कहीं ना कहीं श्रीलंका सोचेगा, क्योंकि अगर पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट देखें तो वहां भी चांसेस आए थे, थोड़े थोड़े चांसेस आए थे, बट वो चीज को ग्रैब नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो विश्वा फर्नांडो और अस्था फर्नांडो ऐसा लगता है जैसे दोनों भाई है, और इनफैक्ट दोनों ने कमाल की गेंदबाजी की है। अगर सेकंड इनिंग इनफैक्ट में देखना चाहूंगा इंग्लैंड की टीम की, तो सेकंड इनिंग में उनका हाल बेहाल हुआ है। अब अगर देखें बेन डकेट 7 रन बना पाए, उसके अलावा लॉरेंस सिर्फ 35 बना पाए, ओली पॉप 7 बना पाए, रूट सिर्फ 12 बना पाए, रूट की तो जड़ें उखड़ गई थी। विश्वा फर्नांडो ने ऐसी गेंद फेंकी थी जिस पर वो LBW आउट हो गए, बिल्कुल तीनों स्टंप्स के सामने पाए गए थे। इसके अलावा देखिए जेमी स्मिथ जिसकी आप बात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने अच्छी नॉक खेली, 67 बनाए, लेकिन वो 67 उनके लिए शायद इनफ नहीं थे, क्योंकि उसमें देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बल्लेबाज डबल डिजिट में पहुंचे थे सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की। तो ये हाल था सेकंड इनिंग में, और 156 पर रोका है श्रीलंका की टीम ने, और इसीलिए उन्होंने आसानी के साथ चेज किया। और लहरू कुमारा जिसकी आप बात कर रहे थे, भाई आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला उन्होंने, 7 ओवर में सिर्फ 21 रन और 4 विकेट छटके। और अच्छी बात क्या थी लहरू कुमारा की, कि उन्होंने ऊपर के बल्लेबाजों को आउट किया था, चाहे उसमें ओली पॉप का विकेट हो जो उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था, लॉरेंस का विकेट हो, और कहीं ना कहीं भाई कुमारा ने जो एक अच्छा लेंथ पर गेंद की थी उसका उनको फायदा भी मिला है। कुल मिलाकर यहाँ श्रीलंका 8 विकेट जीत गया, और श्रीलंका की बड़ी जीत है। अब मजा आएगा, क्योंकि जो WTC पॉइंट्स टेबल है अगर वहां देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम के लिए खतरे की घंटी बज गई है। खतरे की घंटी इसलिए बज गई है क्योंकि इंग्लैंड को ये सीरीज जीतनी चाहिए थी, लेकिन इंग्लैंड भी चौक कर गया तीसरे टेस्ट मैच में। हालांकि सीरीज वो जीते, क्लीन स्वीप नहीं कर पाए वो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्लीन स्वीप करते तो आपके रेटिंग्स बढ़ती, और रेटिंग बढ़ती तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को इजाफा हो सकता है, लेकिन वो इजाफा नहीं मिल पाया। बिल्कुल नहीं मिल पाया, और आई थिंक इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में इंग्लैंड का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है। हमने ओडिया वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने अभी T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, इंग्लैंड उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई है। बट लग रहा था कि यार जब लॉन्गर फॉर्मेट आएगा, यानी जब रेड बॉल फॉर्मेट आएगा, तो मे भी इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल, बट ऐसा नहीं हो पाया। इंग्लैंड यहाँ पर भी थोड़ा सा फेल होती हुई नजर आई। अगर जो रूट की पारी को हटा दिया जाए, तो उस तरीके से सीरीज में किसी ने भी परफॉर्म नहीं करा है। जो रूट ने हालांकि शतक लगाए हैं, गौरे शतक लगाए हैं, बट अदर देन जो रूट उस तरीके से किसी ने भी परफॉर्म नहीं करके दिखाया था। इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट में ही नहीं, बल्कि रेड बॉल फॉर्मेट में भी ध्यान देना पड़ेगा। और अगर WTC के पॉइंट्स टेबल में आपको बढ़त बनानी है, तो आपको यार सुपड़ा साफ करना पड़ेगा।
आपने देखा था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया और सीधे नंबर 4 पर आ गई और पाकिस्तान की टीम नंबर 8 पर आ गई थी उसके बाद, वो इसलिए हुआ था क्योंकि बिल्कुल झुपड़ा साफ कर दिया था बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान का। तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको क्लीन स्वीप करना पड़ेगा तब जाकर आप ऊपर जाएंगे और इंग्लैंड की टीम डिजर्व ऊपर जाना क्योंकि बड़े नाम है, चाहे वो जो रूट है, चाहे वो ओली पोप है, चाहे वो बैन डकेट है, इनके पास बड़े नाम है। सासन ब्रेंडन मैकलम का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी एक बड़ा नाम है। तो आई थिंक इंग्लैंड की टीम ऊपर जाना डिजर्व करती है पॉइंट्स टेबल में, WTC के पॉइंट्स टेबल में, बट अगर ऐसा ही खेलते रही तो कैसा चलेगा। बट 3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया इंग्लैंड की टीम ने, पहला मुकाबला 7 विकेट से जीती, दूसरा मुकाबला 5 थी और तीसरा मुकाबला 190 रन के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड की टीम जीत गई थी। और आज के मैच में प्रथम निशंका की पारी ने पूरे जो इंग्लैंड के जो जितने भी इरादे थे, जीतने के इरादे थे, सब पर पानी फेर दिया। प्रथम निशंका ने ये भी काफी ज्यादा जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया एशियाई, मतलब एशियाई बल्लेबाज होके, जब आपको पता है कि आपको एशियाई कंडीशंस में खेलने की आदत है और जब आप बाहर जाके शतक बनाते हो, आप सेना कंट्री में जाके शतक बनाते हो, डेफिनेटली एक बड़ी चीज हो जाती है। आई थिंक प्रथम निशंका खुद के लिए खुश होंगे और श्रीलंका की टीम जो है वो भी प्रथम निशंका के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी, वो भी प्रथम निशंका के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी वो इसलिए जी बिल्कुल। और यहाँ पर हम WTC पॉइंट्स टेबल की बात कर रहे थे कि वहां पर काफी कुछ उलट फिर आपको नजर आया होगा। और अगर बात करें श्रीलंका की, भाई धमाकेदार जीत, इस धमाकेदार जीत के बाद यहाँ पर बड़ा उलट फेर हुआ है WTC पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि श्रीलंका की टीम जो है अब ऊपर चली गई है, 1 पॉइंट ऊपर चली गई है, नंबर 5 पर अब श्रीलंका ने कब्जा जमा लिया है। और इंग्लैंड की बात करें तो उनको नुकसान हुआ है, अब नंबर 6 पर आ गई है इंडिया। और इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर भारत देखिए इस वक्त नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। और बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि कैसे यहाँ से इंग्लैंड की टीम या टीम इंडिया अब कैसे इंग्लैंड की टीम इनफैक्ट माफ कीजिएगा कि वो आगे जा पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना होगा इंग्लैंड की टीम को कि वो कैसे आ सकती है। हाँ, इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान की सीरीज होनी है, उसमें बड़ा दिलचस्प रहेगा ये देखना कि वो कैसे सामना करते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान वहां जीत गया इंग्लैंड से तो फिर कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी फिर, क्योंकि इंग्लैंड को हाल में जीतना होगा, लेकिन क्या ये हो पाएगा ये एक बड़ा सवाल रहेगा श्रद्धा पांडे आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए।